सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय श्री राम। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ राममय हो गया है। और चर्चा करेंगे कुछ आज इस चीज पे, जो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को निमंत्रण पत्र दिया गया उसके ऊपर भी, और दूसरी चीज की कई ऐसी चीजें हमें लगती हैं उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और मुझे क्या लग रहा है ना कि अभी के टाइम पे कि जिस तरह से माता सीता के घर से और मिथिला से सामान आ रहा है, और मतलब ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग काफी पीछे चले गए हैं, राम राज में आ गए हैं, ऐसा फील हो रहा है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और मैं सच्ची बात कह रहा हूँ कि मुझे कभी ऐसा नहीं लग रहा कि कभी ऐसा लगा नहीं कि हम लोग उस जमाने में नहीं है। आज जो जो भी है, आज हम लोग भी हैं, आप लोग भी हैं, तो ये दिल से फील हो रहा है कि देखो राम जी का हम सब कुछ देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लोग वहीं पे खड़े हैं, जिस तरह रामायण में सीता जी का विवाह होता है और जिस तरह सीता जी महल में आती हैं, तो वो सारी चीजें देखने को मिल रहा है। और मैं सच्ची बात कहूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है कि जिसका कोई जवाब नहीं, श्री जी ऐसी कृपा करी हुई है कि श्री जी ने हम लोगों को, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ कि हमारे को ये, मतलब मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता कि क्या मैं बताऊं कि मेरी आंख नम हो जा रहे हैं जब जब मैं सोच रहा हूँ और जब जब मैं वीडियो देख रहा हूँ कि मैं क्या देख रहा हूँ। क्या मैं सच में देख रहा हूँ राम मंदिर को बनता हुआ, राम जी को आते हुए? भाई हिंदुओं को कम से कम 500 साल, कम से कम क्या भाई, बहुत 500 साल बहुत ज्यादा होता है। और उसके बाद से भी, ढांचा गिराने के बाद भी, 1900 मेरे ख्याल 90 के आसपास, 90-92 के आसपास ढांचा गिराया गया। तो जब भी आज भाई 32-33 साल हो गए इस चीज को, और इतना संघर्ष करना पड़ा। राम जी ने भी 14 साल का वनवास लिया हुआ था, और हमारे रहते हुए, हम हिंदुओं को रहते हुए, राम जी को इतना टाइम लग गया। और ऐसा लग रहा है कि राम जी का जो भव्य मंदिर तैयार हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि राम जी का वही पुराना वाला महल तैयार हो रहा है। और वो सारी चीजें देखकर मैं सच्ची बात कर रहा हूँ कि जो जो ये पीढ़ी देख रही है वो बहुत खुशनसीब है। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं सनातन में आया, और सनातन में आने के बाद मैं राम मंदिर को बनता हुआ देख रहा हूँ। नहीं तो मैं भी कहीं बगल में बैठ के जलता हुआ नजर आता। पर श्री जी ने ऐसी कृपा करी कि सनातन में आया, और सनातन में आने के बाद और मुझे इस टाइप के दृश्य देखने को मिले, तो श्री जी की अपार कृपा है। और मुझे मंदिर बना बहुत ज्यादा खुशी है। और कुछ चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी कि जैसे कि निमंत्रण रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को दिया गया है, और उन्होंने तो एक चीज भी बोली हुई है कि भाई वो लोग गौ का मांस खाया करते थे, लाल मांस, और उनके फादर साहब थे, उन्होंने भी इस चीज को करा था। पर वो नहीं है, जो नहीं है उनकी तो बात क्या ही करें। पर ये जो चीज है, देखिए मेरा कोई मतलब नहीं बनता इस चीज़ पे बोलने का, पर फिर भी एक चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा आप सोशल मीडिया पे देखोगे तो आपको हर जगह ये चीज़ नज़र आएगी। और वहीं पे हमारे जो लक्ष्मण जी हैं, हमारे जो लक्ष्मण जी जिन्होंने रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाया था, उनको निमंत्रण पत्र नहीं मिला, मुझे ऐसे जानकारी मिली है। और देखो मैं आपको खुद ही दिखाता हूँ, आप खुद ऐसे सर्च मार सकते हो, आप देखना क्या रणबीर कपूर गौ मांस खाते थे, आप खुद देखना, आपको मैं दिखाता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो खुद ही बोल रहे हैं, आप देखो। आप खुद सर्च मार लो, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंटरनेट कह रहा है और ये लोग खुद कह रहे हैं। तो मुझे ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगी, और इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं। क्या ये चीज सही है, ऐसे लोगों को निमंत्रण पत्र देना सही है? क्योंकि देखो सनातन धर्म एक पवित्र स्थान है, और राम जी का जो सनातन धर्म अपने आप में भी बहुत पवित्र है, और राम जी का जो स्थान है वो एक पवित्र है, और काफी हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। तो पहले कोई भी हो, अब हमारे को ही देख लो, हमारे को जब हमने इस्लाम से आए तो हमने भी खा रखा था, हमने, ये ऐसा नहीं कि हमने नहीं खा रखा होगा, हमने भी खा रखा होगा। तो भाई उस चीज को हमने शुद्धिकरण कराई अपनी, हरिद्वार में जाके स्नान करा, और जो हवन वगैरह वगैरह वो सारा कुछ हमने करवाया।
क्योंकि बाद में मुझे लगता था कि क्यों करवाना, पर फिर भी जो हमने अपराध कर रखे हैं उसके तो कम से कम जैसे कि प्रायश्चित तो कर ही सकते हैं। जैसे भगवान ने वो गाय के रूप में उसको मारा हुआ था, कोई राक्षस था, तो उनके ऊपर भी वो अपराध लगा हुआ था, तो उन्होंने भी स्नान करके अपना शुद्धिकरण ठाकुर जी ने करा हुआ था। तो इस टाइप की जो चीजें हो रही हैं हमारे देश में, मुझे इसके लिए बड़ा दुख है। और वहीं लक्ष्मण जी को भी मिलना चाहिए था, क्योंकि हम लोग, मैं भी शायद उनको देखता हूँ तो उनमें ही हमें राम लक्ष्मण दिखाई देते हैं। और सीता माता हमारा मगर छवि सबसे पहले किसी की आती है तो सीता माता की उन्हीं की आती है जो रामायण में थी। और राम जी की आते हैं तो उनकी आती है, मुझे उनका नाम नहीं पता पर उन्हीं की आती है। अगर मैं देखता हूँ तो मुझे उनको देख के ही लगता है कि सीता माता ऐसी दिखती होंगी, समझ करना, पर मेरा भाव ऐसा है, उनको देख के ऐसा लगता है। तो मैं भी ये चीज़ कह रहा हूँ कि भाई ये जो चीज़ हो रहा है ये कहाँ तक सही हो रहा है। और मुझे सरकार से भी अपील होगी कि भाई अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो भैया जिसको भी बुलाएं शुद्धिकरण तो जरूर कराएं, क्योंकि जब इस टाइप की चीज़ें हमारे देश में हो रही हैं और इतनी पवित्र राम मंदिर हमारा जो है तैयार हुआ है और उसमें भी ऐसे लोगों को, तो मुझे नहीं लगता कि देना भी चाहिए। मेरा अपना वो है कि जो सरेआम हिंदू होकर और गौ का मांस खाना, तो बाप रे, सोच भी नहीं सकते। इनफैक्ट गौ की मांस तो बहुत दूर की बात, मैं कह रहा हूं कि कोई भी मांस खाना अच्छा नहीं है। और दूसरी चीज है कि राम मंदिर में सेलिब्रिटी का क्या काम भाई, ये तो संतों का है और संतों ने खून बहाया। जहाँ तक ये सेलिब्रिटी जो होते हैं, ये आए दिन दिवाली आने पे ये ज्ञान दे देते हैं, पटाखे मत जलाओ, पोल्यूशन होगा, ये मत करो, वो मत करो, पर ये कभी ये नहीं देते कि बकरा मत काटो, खूनम खून हो जाएगा, कि मतलब, या मोमबत्ती मत जलाओ, ये सिर्फ सनातन पे ही बोलते हैं, तो क्या इन्हें बुलाना भी ठीक रहेगा? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग बताइए आप लोग क्या कहते हो। और मैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, अभी मेरे घर पे आया नहीं है वो चावल, और वो जो निमंत्रण पत्र है वो भी मुझे मिल जाए तो मेरा शायद जीवन सफल हो जाए, पर अभी तक मेरे पास आया नहीं है। आशा करता हूँ कि, मैं ठाकुर जी से अर्जी लगाया था कि ठाकुर जी मेरे घर पे भी वो आए चावल और निमंत्रण पत्र, मैं भी बहुत उत्सुक हूँ इस चीज़ के लिए, और जो लेकर आए मैं उसकी आरती उतारूंगा, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, पर अभी तक आया नहीं है। और क्यों नहीं आया ये भगवान जाने। निमंत्रण पत्र कोई बात नहीं, हम देख के ही खुश हैं कि बन तो गया, कम से कम हिंदुओं का संघर्ष जो है वो पूरा हुआ, बहुत लोगों ने बलिदान अपना दिया है इस मंदिर के पीछे और राम जी को यहाँ तक लाने में, और उन सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ। और मैं तो क्या ही उनके बारे में शब्द नहीं है, जिन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए रामलला के लिए। आज वो ऊपर से कहीं ना कहीं देख रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि भैया आज हमारा सपना सच हुआ, और उनकी आत्मा को शांति 22 जनवरी को जाके मिलेगी, जब रामलला विराजमान होंगे अपनी गद्दी पे और हमारा फिर से राम राज आ जाएगा। और मैं क्या है बताऊं कि मैं जितने भी बातें करूं उतना कम है, कि मेरे मन की इच्छा थी कि मैं जाऊं, पर अभी तो सारे वीआईपी लोग आए हुए हैं तो अभी एंट्री बंद है, क्योंकि अब गाड़ियां भी बंद हो जाएंगी और रेल भी रद्द कर दी गई हैं। बाकी कोई बात नहीं, हो जाएगा तो फिर मैं भी जाऊंगा, और श्री जी ने कृपा करा तो जरूर राम जी के दर्शन मैं जरूर करूंगा, क्योंकि राम जी की, मुझे अयोध्या जाने की बड़ी पहले से थी, पर भगवान ने ऐसी कृपा करी कि मैं जब जाऊंगा तो भगवान स्वयं वहां पे होंगे, क्योंकि टेंट में ना कितने साल तो भगवान टेंट में रहना पड़ा हम लोगों को रहते हुए। आज वो सारी चीज़ें पुरानी भी याद आती हैं, और आज का जो समय देख के ये याद आता है कि भाई भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान को पता है कि कब मुझे कहाँ आना है। आज अमेरिका में भी मैंने देखा, वो जो वहाँ पे क्या बोलते हैं उसमें, जो कोई बिल्डिंग है उस पर पूरा राम जी छाए हुए हैं हर जगह। मतलब मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ सुबह हो जाएगी, मैं रात को भी वीडियो बना रहा हूँ, सुबह हो जाएगी, पर राम जी की बखान करते हुए मैं तो नहीं थकने वाला, क्योंकि मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ ना, हर दिन मेरा एक उत्साह के साथ बीतता है कि अरे रामलला हमारे आने वाले हैं। अरे बस एक एक दिन बड़ा, मतलब कैसे जनवरी बीत जाती है पता नहीं लगता, पर एक एक दिन बड़ी मुश्किल से बीत रही है। चलिए ठीक है,
मैं इतना ही कहूंगा, जो मेरी बात थी आप लोग जवाब देना क्या बुलाना सही रहेगा, और मैं कहूंगा कि लक्ष्मण जी को भी बुलाया जाए, क्योंकि उन लोगों को देखकर हमारे को, जो हम बचपन में हम नहीं पढ़ सकते, जब मैं मुस्लिम था तब भी मैं उस चीज़ को देखता था और घर में चल जाता था, क्योंकि उसमें ज़्यादा उतनी दिक्कत नहीं होती थी कि सब उस टाइम पर देखते ही हुए थे। तो सभी को राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।